गुहाना की पुरानी सब्जी मंडी के पास मंदिर शिवाला मस्तनाद में कुछ लोगों द्वारा ईसा मसीह का जन्मदिवस मनाने पर उस समय विवाद हो गया जब भाजपा के मंडल अध्यक्ष समेत अनेक लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और आयोजकों को मंदिर से खदेड़ दिया। मंदिर में विवाद बढ़ने की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई तथा क्रिसमस मनाने वालों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। उधर आयोजकों का कहना है कि उन्होंने इसके लिए मंदिर कमेटी से मंजूरी भी ली थी। शहर में उस समय हंगामा हो गया जब पुरानी सब्जी मंडी के पास स्थित मंदिर शिवाला मस्तनाथ में कुछ लोग क्रिसमस मनाने पहुंचे। उन्होंने वहां अपने धर्म के हिसाब से कार्यक्रम शुरू कर दिया तथा भंडारे का भी आयोजन किया गया। इसकी सूचना भाजपा के मंडल अध्यक्ष बलराम कौशिक को मिल गई। वह शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों को लेकर मौके पर पहुंच गए तथा क्रिसमस मना रहे लोगों को वहां कार्यक्रम आयोजित न करने की बात कही, जबकि आयोजक इस बात पर अड़ गए कि उन्होंने मंदिर कमेटी से इसके लिए न केवल मंजूरी ले रखी है बल्कि इसके बदले 1100 रुपए भी अदा कर रखे हैं। मंडल अध्यक्ष के विभिन्न संगठनों के लोगों ने साफ शब्दों में आयोजकों को कहा कि किसी अन्य धर्म का यहाँ प्रचार नहीं होने देंगे, यह हिंदुओं का मंदिर है तथा इस मंदिर के साथ लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाने दी जाएगी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। इसकी सूचना पाकर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करने का प्रयास किया। जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने क्रिसमस मनाने वाले लोगों को मंदिर से बाहर जाने को कहा। वहीं मंदिर कमेटी के सचिव विजेंद्र सिंह की माने तो क्रिसमस डे मनाने के लिए उन्हें इस प्रकार की कोई भी सूचना नहीं थी। आयोजकों ने हमें भंडारा लगाने की बात कही थी। भंडारा लगाने के लिए मंदिर का हाल बुक किया गया था। इस प्रकार धार्मिक भावनाएं भड़काने की किसी को भी धार्मिक स्थल में आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कार्यक्रम के आयोजकों ने मंदिर कमेटी को अंधेरे में रखकर हाल बुक कराया था। आप फाइनल करोगे, आपकी जगह है, आप इजाजत दोगे, जिम तो आओगे, आप इजाजत नहीं दोगे ठीक है। भंडारे की वजह से भी ये करते पाए, हमने बंद करवा दिया। नहीं वो तो कह रहे हमने परमिशन नहीं दी, बोला गया भंडारे के लिए, बोला था कि सत्संग करेंगे भंडारा करेंगे, ये नहीं बताई थी क्रिश्चियन का सत्संग करेंगे। सत्संग की बोला था, भंडारे की बोला था, हमको मना कर, ये नहीं कहा किसी जगह सत्संग ना ना। सत्संग मेरे पास तो सुबह फोन गया, आपको ये बताई थी रक्षाबंधन, हमारे को ये बताया क्या सत्संग करो, तो मैं बैठे रह गए सब। बताए इनके अध्यक्ष से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें कहा था क्रिसमस के पास, यहाँ से फोन से सूचना गई कि आप बीजेपी के अध्यक्ष और गोहाना मंदिर के अंदर ईसा मसीह के वो जाप किया जा रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर मैंने कार्यकर्ताओं को बुलाया, हम सब यहाँ पहुँचे तो हमने उनसे देखा कि यहाँ पे सारे ईसा मसीह का जो है महिमा मंडल किया जा रहा था। हमने उससे कहा कि आप मंदिर परिसर के अंदर किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई धर्म से रिलेटेड, हिंदू धर्म से रिलेटेड ही मंदिर है ये, और हिंदू धर्म के कार्यक्रम यहाँ पे होंगे, ना कि किसी दूसरे धर्म से। लेकिन इस मंदिर के मैनेजमेंट ने तो इनको इजाजत दे रखी, मंदिर की मैनेजमेंट को उन्होंने झूठ बोल के लिया कि हम भंडारा करेंगे, हमारे को भंडारे के लिए स्थान उपलब्ध किया जाए, ये क्या उन्होंने उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मैनेजमेंट आई नहीं, उन्होंने अपने तरीके से ईसा मसीह का गुणगान करना शुरू कर दिया, क्रिसमस डे मनाना शुरू कर दिया। ना ना ना, वो ईसा मसीह दिवस आज क्रिसमस डे मना रहे थे यहाँ पे, जबकि हमने उससे कहा कि आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि मंदिर परिसर के अंदर आप किसी भी प्रकार का कोई भी दूसरे धर्म से संबंधित ऐसी चीजें ना करें। तो पुलिस को भी बुलाना पड़ा था। हाँ, यहाँ पे उन्होंने फोन किया पुलिस को, पुलिस आई, हमने पुलिस से कहा कि मंदिर परिस्थिति के अंदर इसी प्रकार की बातें नहीं होने देंगे। कौन कौन से उससे जनसंघ है यहाँ पे? बजरंग दल के भी है और बीजेपी से भी है, स्वयं सेवक भी है, विश्व हिंदू परिषद से, भारत विकास परिषद से, सारे हिंदू समाज के लोग इकट्ठे होकर के और इसको मंदिर परिषद से उनको विश्व हिंदू खाली करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, चले गए और वो चले गए। उनसे कह दिया कि आइंदा गोहाना के अंदर किसी भी जो हिंदू संस्कृति से संबंधित कोई भी संस्थान है उसके अंदर इस तरह का आप धर्म से परिवर्तन वाली चीजें और दूसरे धर्म से संबंधित बातें नहीं करते, नाम उसको होने देंगे। क्रिसमस डे मना रहे हैं और हम किसी धर्म को बिलोंग नहीं करते, ना किसी धर्म को मानते, हमारा एक ही मानना है परमेश्वर एक है और हम इसके लिए यहाँ पर परमेश्वर के नाम से सत्संग कर रहे हैं और सत्संग करते हुए साथ में हमने भंडारा किया था कि किसी भी जाति या किसी भी धर्म का कोई भी इंसान आए यहाँ पे आए और उस चीज को खाए। लेकिन इन्हें ये लगता है कि हम यहाँ पर धर्म का प्रचार कर रहे हैं या कुछ धर्म बदलवा रहे हैं, इस चीज के कारण ये लोग विरोध में आए। इन्होंने यहाँ पे बंद करवा दिया ये कहकर कि अगर आप इससे रिलेटेड, ईसा मसीह से रिलेटेड कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी होने नहीं दिया जाएगा, ये कहकर। यहाँ पर सिर्फ सत्संग चल रहा था, भजन कीर्तन चल रहा था ईसा मसीह के नाम से और साथ में अपना भंडारा चित्ता,
कि 2 बजे 1 बजे जिस समय लंच का टाइम होता है उस समय सभी आए और उस भंडारे को जिसकी परमिशन ले रखी है, परमिशन लेकर सारी चीज लेकर जब ये काम किए गए हैं। बताया था क्रिसमस डे मनाएंगे, बिल्कुल सारी चीज उन्हें बताई गई थी। जिससे परमिशन ली थी आप उनसे बात की आपने? जी उनसे बात की और उन्होंने ही इन्हें भेजा था, जो ये अब पुलिस वाले आए हुए थे इन्होंने ही उन्हें भेजा था। इस धर्म को मानने वाले हैं, कोई हिंदू संगठन से, कोई बजरंग दल से या कोई किसी से भी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना है कि ये इस संगठन से हैं और ये कहते हैं कि हिंदू समाज को छोड़ किसी भी चीज़ का नाम लिया जाएगा तो यहाँ पर वो चीज़ होने नहीं दी जाएगी। आज न्यूज़ के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।